नमस्कार किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं FMC कंपनी का लेजेंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के बारे में। इस फर्टिलाइजर की विशेषता, खूबियाँ, क्रिया के तरीका तथा इसके मात्रा और प्रयोग के बारे में आपको जानकारी मिलने वाला है, तो बने रहे इस वीडियो पे किसान भाइयों और लास्ट तक देखें बिना स्किप करें। तो चलिए शुरू करते हैं किसान भाइयों। लेजेंड की विशेषता की बात करें तो किसान भाइयों, यह जैविक रूप में उपलब्ध पोटाश है। यह पैटेंट फॉर्मुलेशन से बना हुआ है। सर्ज टेक्नोलॉजी की शक्ति प्राप्त है तथा कम मात्रा में अधिक प्रभाव देता है। इसमें पोटाश का जैविक रूप से उपलब्ध स्वरूप है, जो पौधे की वृद्धि के चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें सल्फर, जो नाइट्रेट को घटाने और पौधे की वृद्धि प्रोटीन निर्माण में उल्लेखनीय भूमिका निभाता है। किसान भाइयों, यह एक अनोखी ओशन फार्मिंग टेक्नोलॉजी पर अनोखा उत्पाद है। यह पूरी तरीके से कुदरती तत्व, जो उपज बढ़ाते हैं और उपज की गुणवत्ता सुधारते हैं। लेजेंड के उपयोग से अधिक हार्मोन का निर्माण होता है, बेहतर आकार, रूप, रंग तथा स्वाद में सुधार होता है। फूलने और फलने की क्रिया में भी सुधार के साथ बढ़वार होता है। लेजेंड में उपलब्ध पोटेशियम की मुख्य भूमिका क्या है, उसके बारे में भी अब बात करते हैं किसान भाइयों। पोटेशियम पौधे में पानी की स्थिति के लिए जरूरी होता है। पोटेशियम एक महत्वपूर्ण ऑस्मोटिकेंट है, जो पौधे द्वारा पानी को बचा कर रखने में योगदान देता है और पानी की उपयोग उचित क्षमता से करता है। FMC के लेजेंड में पाए जाने वाला सक्रिय घटक विशिष्ट पौधे के कार्यों को सुलभ बनाता है, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण और कोशिका विभाजन का भी कार्यों में मदद करता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों, इसे हम कौन कौन से फसल में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो बता दें किसान भाइयों, धान, अंगूर, मक्का, मिर्च, प्याज, टमाटर, आलू, सेब, कपास, सोयाबीन, अनार तथा सभी प्रकार की सब्जी वर्गीय फसल में इसका उपयोग कर सकते हैं। इसकी मात्रा और प्रयोग के बारे में बात करते हैं तो किसान भाइयों, लेजेंड का उपयोग अधिकांश फसलों में 48 ग्राम 150 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका स्प्रे कर सकते हैं। तथा FMC कंपनी का लेजेंड का एक और खासियत है किसान भाइयों, इसका उपयोग बीज उपचार में किया जा सकता है। इसे हम कृषि रसायनों के साथ मिक्स करके उपयोग कर सकते हैं तथा इसे डालने से पहले एक सावधानी जरूर बरतें किसान भाइयों, बारिश के ठीक पहले या बाद इसका उपयोग ना करें। अगर करते हो तो इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये सावधानी आप जरूर बरतें किसान भाइयों। ऐसे ही सीधा और सटीक कृषि संबंधी जानकारी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और नीचे में दिए हुए लाल बटन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसान भाइयों। जय हिंद।